सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस उपाय को कीजिए। लाल चंदन और पीले चंदन वाले उपाय को भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, कल से ही शुरू कीजिए इस उपाय को। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, लाल चंदन और पीला चंदन दोनों लेना है। तो सबसे पहले आपको लाल चंदन को बेलपत्र की जो दोनों पत्तियां हैं नीचे वाली, इन दोनों पत्तियों पर अच्छे से लगा देना है। पूरी पत्ती पर लगाना है आपको लाल चंदन। और उसके बाद में जो पीला चंदन है, उस पीले चंदन को जो बीच वाली पत्ती है इस पत्ती पर लगा दीजिए। अच्छे से लगा दीजिए पीले चंदन को। अब इस बेलपत्र को अपने पास रख लीजिए और लाल चंदन जो कि आपने लेपन बनाया है लाल चंदन का, वो भी अपने पास रख लीजिए। अब इस लाल चंदन वाले बेलपत्र, इस बेलपत्र को और लाल चंदन वाले लेपन को भोलेनाथ के मंदिर में लेके जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कलश जल भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना है। एक कलश जल समर्पित कीजिए और जब आप जल समर्पित कर दें तो इस भाग से जब जल नीचे गिरता है यहाँ पर अपना हाथ लगाइए और इस हाथ में थोड़ा सा जल ग्रहण करके इस जल को पी लीजिए, यानी कि इस जल का आचमन कर लीजिए। एक कलश जल आपने समर्पित किया, जल को पी लिया, आचमन कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना हाथ धोना है। तो जल से ही अपने हाथ को धो लीजिए, क्योंकि आपने जिस हाथ से जल पिया था वो हाथ झूठा हो गया हो तो उसको पानी से ही अपने हाथ को धो लीजिए। धोने के बाद में फिर अब क्या करना है, एक और कलश जल समर्पित करना है। एक कलश और जल समर्पित कीजिए। अब जब आपने जल समर्पित कर दिया है उसके बाद में जो आपने लाल चंदन का लेपन बनाया था, यानी कि जो लाल चंदन आपने रख रखा है अपने पास, उस लाल चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। भोलेनाथ पे लाल चंदन का लेपन कीजिए। पूरे शिवलिंग पर आपको लाल चंदन लगाना है, ये माथा पार्वती के हस्तकमल पर, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, साथ ही साथ में जो शिवलिंग है इस पूरे शिवलिंग पर आपको लाल चंदन लगा देना है। अच्छे से बाबा का श्रृंगार कीजिए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए और माता पार्वती का भी स्मरण कीजिए कि माता आपके 9 दिन के नवरात्रे हैं, जो भी मनोकामना प्राप्त करना चाहता है उस मनोकामना से आपकी मनोकामना प्राप्त करना चाहता है उसको आप पूर्ण करती हो। माता मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए, मेरी गोद संतान से भर दीजिए। जब आप लाल चंदन से पूरे शिवलिंग पर लेपन कर दो, उसके बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, कौन सा बेलपत्र, जिसकी नीचे वाली पत्ती पर हमने लाल चंदन लगाया था और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाया था, इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कीजिए। और उसके बाद में आपको एक कलश जल और समर्पित कर देना है। इस प्रकार ये नवरात्रि के पहले दिन आपने उपाय करा। अब यही उपाय, सेम प्रोसेस आपको लगातार 9 दिनों तक करना है। नवमी तक, यानी कि जो रामनवमी आएगी उस दिन तक आपको लगातार इसी प्रकार भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और उसके बाद में आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर इसी प्रकार से श्रृंगार करके बेलपत्र समर्पित करना है और 3 बार आपको जल चढ़ाना है। सबसे पहले जल चढ़ाना है, उसके बाद उस जल का आचमन कीजिए, फिर उसके बाद हाथ को धोने के बाद दोबारा से जल चढ़ाइए, फिर उसके बाद में आपको भगवान शंकर के पर शिवलिंग पर लेपन करना है लाल चंदन से और फिर वो बेलपत्र समर्पित करना है आपकी मनोकामना करते हुए। पूर्ण मन से इस उपाय को कीजिए। लगातार 9 दिनों तक जब आप नवरात्रि में इस उपाय को करेंगे तो माता पार्वती, माँ दुर्गा आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।